कल महानगर के केला बागान इलाके में एक महिला और उसके परिवार ने केला बागान के ही जामुन गांव के इलाके के दो लोगों पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इन आरोपों को लेकर जोरासाको थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई और जिसके बाद आज यहां जामुन गांव के इलाके में स्थानीय लोगों ने इस घटना के विरोध में एक सामूहिक याचिका दी। उन्होंने कहा कि महिला ने यहाँ के जिन दो लड़कों पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं ये सरासर झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं और इस पूरे मामले में यहाँ के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को घसीटना बहुत ही अफसोसजनक है। शिकायत करने वाली महिला के मकान मालिक ने मीडिया के सामने आकर बताया कि जिन दो लोगों के खिलाफ महिला ने गंदे आरोप लगाए हैं वे दोनों तो उनके बिल्डिंग में कभी आते ही नहीं। उनका भी कहना था कि कुछ लोग जो यहाँ पर आकर राजनीति करते हैं वे इस मामले को हवा देना चाहते हैं जबकि असल में ये मामला बिल्कुल साफ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है बल्कि ये किसी के सोची समझी साजिश है जिससे यहाँ के सत्ताधारी दल के लोगों को खासतौर पर यहाँ के काउंसलर जसीमुद्दीन को बदनाम किया जा सके। गलत है ये सब, गलत है ये सब, इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा ये सब इल्जाम लगाया जा रहा है, गलत है। क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली ऐसी बेफजूल क्या बोले, इतना तो बोले तो आप लोग समझ नहीं सक रहे हैं। सब झूठ है, सब झूठ बात है। जसीमुद्दीन को बदनाम करने की, बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। अच्छा जी हाँ, और कोई बात नहीं, सब तो सर गलत है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर एक एक जगह बोले ना, एक जगह रहने से झमेला होने से एक दूसरा को ऊपर सब इल्जाम लगाता है। अच्छा। ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई बात नहीं है। छोटू जो है बहुत सही लड़का है, मोहम्मद सरफराज बुनियादी इल्जाम है। और फिर प्लस यहाँ तो खुद वो लोग लड़ाई करती है, झगड़ा करती है और सबको बुला लेती है लड़ने में। अच्छा, लड़ने के लिए? हाँ, सब बेटी लोग तो यही रहती है साथ में, सबको बुला लेती है लड़ने के लिए। एकदम ये गलत इल्जाम है, गलत इल्जाम है। ये सब आरोप क्या है, इसमें कुछ सच्चाई है? जी कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ एकदम सच्चाई नहीं, ये झूठ है। और जब इतना दिन तो हो रहा तो कहाँ थी, प्रूफ दो, प्रूफ तो चाहिए। एक लेडीज का अपना इज्जत उठाना बहुत खराब बात है, ये तो उसका इज्जत ही नहीं है। जी मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे तो पैर तले जमीन खिसक गया, ऐसा बात वो बोलिए। 50,000 एक दो रुपए भी नहीं, हराम का कमाई है, पसीने का कमाई मेरा रहता है हस्बैंड का। रोज वो मंडी जाता है, हम लोग आम इंसान है, रोज कुआं खोदता है, रोज खाता है और रोज यहाँ से चला जाता है घर। तो कब उसके पास जाता है, किस वक्त जाता है? उसको जब एक साल से टॉर्चर किया जा रहा था, बोली ना एक साल से हो रहा था, आप लोग जानते हैं, एक साल से बोलिए वो एक साल से टॉर्चर किया जा रहा था। तो एक साल कहाँ थी वो? यहाँ तो अभी कुछ होता है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कुछ होता है तो तुरंत वायरल हो जाता है, मोबाइल से तुरंत वायरल हो जाता है। तो ये वायरल क्यों नहीं हुआ जब तुम्हारे घर गया? एकदम सरिया के बोल रही है, मेरे घर आया, मैं सो की थी, तीन बच्चा लेकर अकेली सो की थी घर में, ऊपर आया फैज को ढूंढना है, फैज को ढूंढने के बाद मेरी नींद टूट गई, मुझसे पूछा तुम सो क्यों? तो उस वक्त नींद नहीं टूटा था, अभी नींद टूटा है। तुम के सरिया रही थी हाँ कि सरफराज आलम उर्फ छोटू के ऊपर इल्जाम लगाऊंगी मैं, तो मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं गर्व से बोलती हूँ मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ है नहीं। मैं बीवी हूँ, मैं आम इंसान भी हूँ, मैं बीवी को साइड रखकर मैं आम इंसान की तरह आप लोग की तरह सोचती हूँ कि आप लोग बताइए, ममता दीदी बताइए, ये जो इल्जाम लगाई है ये तो जरा सल बेबुनियाद है। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो लगाई है, मेरे शौहर के ऊपर जो लगाई है, जरा सल बेबुनियाद है। वो 50,000 क्यों देगा उसको? तुम कहाँ थी उस वक्त जब 50,000 दे रहा था? कहाँ थी तुम? घर में नहीं थी, तुम बाहर थी कहीं जब तुमको 50,000 दे रहा था? हाँ, दरअसल बेबुनियादी इल्जाम लगाया गया है। जसीम भाई तो इतना कर दिए हैं, जरा जरा जगह में नल लगा दिए हैं, जरा सा नहीं कुछ टूटा फूटा है। यहाँ की सब लेडीज लोग जो बोल रही है वो तक का, अनीशा खातून वो तक कब जाती है जसीमुद्दीन के पास हेल्प मांगने के लिए? कांग्रेस पार्टी में काम करता है भाई लोग, वहाँ से हेल्प नहीं मिलता है? जसीमुद्दीन आके टॉयलेट बनाता है, अंदर बॉडी बनाता है, उस टाइम कहाँ जाता है सब कोई? उसका घर वाला कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बताइए, कहाँ जाता है? जसीमुद्दीन ही के पास जाता है, उसी से काम निकलता है। तुम उसी को बोल रही हो, मतलब लक्की भंडार जो आ रहा है टाका कहाँ से आ रहा है? ममता दीदी भेज रही है, ममता दीदी चाहिए, कांग्रेस चाहिए, जसीमुद्दीन नहीं चाहिए। जसीमुद्दीन से काम चाहिए, बाथरूम बनवा दो, नल लगवा दो, जमीन सही करवा दो, वो सब सही है। जसीमुद्दीन को हटा दो, तो तुम डायरेक्ट बोलो ना कि जसीमुद्दीन को हटाओ।
नहीं गलत बात है जो काम करते हैं लेडीज को, यहाँ का लेडीज लोग आप लोग की सेफ नहीं है, बन चुका है थाना पहुंचने का, थाना पहुंचने का पैसा बन चुका, जरा जरा बात नहीं थाना जाने का, उन लोग का पूरा कुंडला उन लोग का उसी है, समझ जाइए पूरा पैसा लोग का उसी जगह जगह का थाना करती है। जब अगल बगल से झगड़ा होता है किसी से झगड़ा, पूरा फैमिली लोग को बुला लेती है, पूरा फैमिली को गाली, बस्ती लोग को बुला लेती है, अपना घर में रिश्तेदार क्लोज सबको बुला लेती है, सबको बुला लेती है कि आओ हम बोल रहे हैं, पीछे से तुम भी बोलो, पीछे से तुम भी बोलो आओ। और हम लोग किसको बुला के लाए, हम लोग किसी को बुलाने नहीं गई हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए खुद से आ रहा है खुद से बोला, देखिए लड़की बहुत बड़ी साथी लड़की है, लड़का लोग भाई मुसलमान लड़का लोग तो भाई है, भाई लोग ऐसे को करता है ऐसा जगह होता है, ये तो खुद यहाँ पर आकर के गंदगी फैला रही है और दूसरा ऊपर ला कर कुरान शरीफ शरीफ सब खेल देती है, कभी कुरान शरीफ पटक देती है, कुरान को तो मजाक समझ के रखी है, कभी गमला किसी का पटक देती है, जो वो औरत है उसके ऊपर गमला पटक दी, ये ऐसा ऐसा छेड़ आप बोलती है, हम मर्द से कम नहीं है, ऐसा ऐसा औरत हो गए, मर्द को हराने सीख गए आजकल की लड़की लोग, यही लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए घर बस्ती में, झूठ मूठी का लड़ाई कर रही है सबसे, ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो लड़की जो गए थाना में, क्या नाम है उनका, अलीसा, क्या इल्जाम लगाई इन लोग पे कि ये लोग मेरे लोग का घर में घुस जाता है, ये सब कोई बात नहीं है, कोई लड़का ऐसा नहीं है महल्ला का, सब कोई बात नहीं है, देखिए आज वो लड़का का ऊपर वरी, कल मेरा भी लड़का है, कल उसका ऊपर भी, बस्ती में तो सभी को रहना है, ये सब बात गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है, जसीम भाई ठीक है, वो सबको बहन का तरह समझता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है, कोई इल्जाम लगाया जा रहा है, मेन मुद्दा है जसीमुद्दीन को यहाँ 39 वार्ड से काउंसिलर से हटाने के लिए, यही और पार्टी का झगड़ा और कोई बात नहीं, यहाँ काउंसिलर अगर जीतता नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं हो, ये अगर जीत गया इसलिए ये सब बात हो, ये पार्टी का मेला हो रहा है, तो झूठा बात बोला जा रहा है, सब गलत बात है, ये सब दूसरा पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, छोटू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, हमने बचपन से देखते हैं, छोटू क्या करता, फल में काम करता, हाँ दवा का कौन काम करता, उसको तो काम से फुर्सत नहीं मिल रहा है, जो ऐसा घिनौना इल्जाम लगे हैं उसको फंसाया जा रहा है, कल मेरा लड़का फंसा देगा, कल मेरी लड़की को फंसा देगी, ये गुंडी बनी है जो एकदम बेबुनियाद है, सरासर गलत है, ये एकदम गलत इल्जाम है, ये क्या काम करता है छोटू, छोटू मंडी में काम करता है, फल सप्लाई करता है मॉल में, अच्छा बिजनेस करने वाला लड़का कोई ऐसा काम करेगा, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हर लड़की को बहन माँ बेटी समझता है, सबका घर में आके कोई काम रहता है तुरंत बोलता है छोटू भाई काम है पार्टी ऑफिस का करवा दिए, ठीक है बेटा तुम मत जाओ हम जाके करवा देंगे, और क्या चाहिए ऐसा लड़का, तो इस तरह की जो बातें उस पर एकदम बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, फजूल बात है, ये सब गंदा इल्जाम लगाया गया। मोहम्मद साहिद आलम जी, मैं मोहम्मद गुलरेज आलम जी, आप लोग उस बिल्डिंग के मकान मालिक, मकान मालिक है, ये जो बच्चों के ऊपर लड़का लोग का ऊपर इल्जाम लगा है, देखिए ये बात है कि ये लड़का लोग कोई मेरा बिल्डिंग में चढ़ता ही नहीं है, पहली बात, दोनों में कोई भी नहीं चढ़ता है, जितना ये सब लड़का लोग कुछ काम पड़ा काम के लिए इस सिलसिले से चलेगा, लेके वो पूना तक का कोई भी पार्टी का हो, तृणमूल बीजेपी सीपीएम कोई भी लड़का बिल्डिंग में नहीं चढ़ता, नहीं चढ़ता है, चढ़ता क्या स्क्रूटनी के लिए चढ़ता है, इलेक्शन इलेक्शन कोई सरकार पड़ेगी तब चढ़ता है, किसी घर में आना जाना कोई नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गलत बात है कि तो इस तरह का जो इल्जाम लगा लगे हैं कि 50,000 रुपया जो है हमको ऑफर किया गया है मेरा घर में, देखिए हम तो मकान मालिक है, एक बात बता रहे, हम तो मकान मालिक है, ये तो हमको नहीं मालूम है, अगल बगल वाले भी तो है वो भी तो बता सकते है, लेकिन ये हम बोलते ये तो फजूल बात है, ये इल्जाम है, झूठा आरोप है, लड़का कैसा है नहीं, वो लोग कोई इसमें नहीं है, देखिए आप रिकॉर्ड कुछ ये नहीं, नहीं नहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, कुछ चापड़ लेके घूम रहा था, ये तो देखिए ये तो हम देखे नहीं, हम कैसे बोल दे कि हाँ लेके घूमा नहीं घूमा, मेरे टेनेंट भी नहीं है, तो उनका नानी का कमरा है, हम जिस मकान में रहते हैं उनका नानी का कमरा उस मकान में है, आपका नाम क्या हुआ, डायरेक्ट मोहम्मद गुलरेज आलम, वो डायरेक्ट में उनका नानी मेरा मामले में तो हम
बोलेंगे कि ये लड़का लोग के ऊपर इल्ज़ाम गलत लगा है, फंसाया जा रहा है या कुछ भी है, लेकिन इसमें ये लड़का लोग मेरा बिल्डिंग में तो गया नहीं, लेकिन भाई एक तृणमूल कर रहा है एक कांग्रेस कर रहा है, यही मामला है और कुछ मामला हो नहीं सकता है। देखिए ये जो इल्जामात मेरे ऊपर लगा है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, ठीक है। जो लोग मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं आपने देखा होगा वीडियो क्लिप के जरिए, वो लोग एक झंडा हाथ में लिए हुए, ये साजिश है हम लोगों को बदनाम करने का। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इस इलेक्शन में काम किया है। मैं इस पार्ट 102 और 106 का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये पार्ट मेरे अंडर में आता है। मैंने बहुत ही अच्छा लीड अपने सब भाइयों के साथ में बहुत ही अच्छा लीड दिया अपने पार्ट से। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गंदा राजनीति करते हैं कांग्रेस के नाम पे। जो लोग कांग्रेस हिंदुस्तान में कर रहे हैं मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, लेकिन वार्ड 39 में जो लोग कांग्रेस कर रहे हैं, आप इतिहास उठा के देखिए पिछले कुछ सालों से कांग्रेस के नाम पे गंदगी हो रहा है। और जो लीडरान इनके फेवर में आते हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप जब इनके फेवर में आए तो आप पहले तहकीकात करें कि आप किस लोगों के साथ आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करें। संतोष पाठक जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक बहन की पुकार पर आए, एक लेडी का पुकार पर वो आए। जैद अनवर साहब का मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो एक लेडी का पुकार पे आए कि उनके साथ में गलत हो रहा है। लेकिन आप पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि आप जो जिस काम के लिए जा रहे हैं, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए जा रहे हैं, क्या वो इल्ज़ामात सही है, क्या वो घटना सही है, पहले आपको इसका छानबीन करना चाहिए। एक्चुअली में देखिए हम लोग एक इलाका में रहते हैं, ये बाड़ी में हम लोग रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, ठीक है। हाँ, वो हम लोगों का बाड़ी का ठीक सामने में रहती है, वो बचपन से यहाँ रही है, ठीक है। मैं भी यहाँ बचपन से बड़ा हुआ हूँ भाई। ये तो 9 महीना पहले का घटना है, एक साल से आपके साथ में गलत हो रहा था। आपका भाई तो इस वार्ड का प्रेसिडेंट है, आप क्यों नहीं जनाया उसको, आपको तो बोलना चाहिए था ना। तो यहाँ से ये बात साबित होता है कि ये सब बनाया कहानी है, ये हम लोगों को बदनाम करने का साजिश है। आज जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आपके चैनल से आप इनका बैकग्राउंड देखिए, आप इनके बारे में देखिए ये लोग कौन हैं। ये लोग वही लोग हैं जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, जो जिनका घर जो है चोरी और चमारी से चलता है। आप देखिए इस इलाके में इलेक्ट्रिक का जो मामला है, कुछ साल पहले इस इलाके में रोशनी के लिए लोग तड़प रहे थे, रोशनी के लिए लोग जो है परेशान थे। इनका भाई एक नंबर का इलेक्ट्रिक चोर, उसके नाम में बहुत सारा मामला है इलेक्ट्रिक का। आप जोड़ा साकू थाना में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन लोगों का काम ही है दूसरा को बदनाम करना, दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना। इनका चार चार बहन ऑन कैमरा बोली थाना के सामने कि एक बहन बोल रही है कि हम जो है तेल डाल के जल जाएंगे, एक बहन बोल रही है कि मेरा 3-3 बच्चा है मेरे साथ में, ये गलत संबंध बनाता है। मेरा भी 3 बच्चा है, मेरा 8 साल का बेटी है। कल रात को 2 बजे मेरा बेटी हमसे सवाल करी, पापा ये सब आज का 2 साल का बच्चा सोशल मीडिया जानता है। आज का 2 साल का बच्चा अगर कोई मर्द अपने घर में जाता है काम काज करने के बाद तो मोबाइल उनका बच्चा लोग ले लेता है, गेम खेलता है। मेरा बेटी मुझसे सवाल करी, पापा ये सब क्या सुन रहे, ये सब ये कौन है ये लोग जो आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मैंने जब मेरे पास पुलिस आई सुबह 11:30 बजे मेरे घर में, मैं बाहर बैठा था तो पुलिस आई, एक लड़का आके मेरे को बोला कि सरफराज भाई आपको पुलिस ढूंढने के लिए आया। हम बोला क्या बात हो गया, हम बोला कौन सा ऑफिसर था, तो बोला कि नाम नहीं पता, वो चला गया। चले जाने के बाद जो ऑफिसर आया था वो मेरे घर में गया, हमने पता करने का कोशिश किया, ठीक है। तो एक लेडी महिला ऑफिसर थी, ठीक है, एक जेंट्स ऑफिसर था, वो दोनों आए। कुछ देर के बाद फिर आए यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठा था, मुझसे पूछा गया सरफराज आलम आप ही है, बोला जी हाँ हम है। तो बोला की हो खाने तुम्हें गाला गाली दिए छो, बोला सर के बोले छे अपना के हमें गाला गाली जो दिए छी तो एक लोग भी तो सुना होगा। बोला तुम्हार नाम में कंप्लेन हो तुम्हें गाला गाली दिए छो, हम बोला हम यहाँ पे गाली दिया है, आप एक काम कीजिए पहले यहाँ पे आप जितने लोग हैं सबसे आप पूछ लीजिए। देखिए मुद्दा को आप समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, मुद्दा एक गाली गलौज का था,
मुद्दा ये था कि यहाँ पे कांग्रेस की एक कार्यकर्ता की बहन जा रही थी, उसके ऊपर में तानाशाही किया गया, उसको आवाजा मारा गया, ये मुद्दा था। देखिए ये कैसे पॉलिटिकल इशू बन रहा है, ठीक है। 39 नंबर वार्ड की राजनीति को आप समझने की कोशिश करें। मैं हर आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आज जो एलिगेशन, आज मेरा नाम सरफराज है, मेरे ऊपर लग रहा है, कल इस जामुन गली में रहने वाले दूसरे आदमी पे भी लग सकता है, क्योंकि इसको अभी यहाँ पे रोकना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पराए पराए 400 लोगों का सिग्नेचर कराया है, हमारी माँ बहनों का, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं। ये इल्ज़ामात जितने भी यहाँ लगाया गया है मेरे ऊपर या और भी भाई के ऊपर, ये सब झूठा है। लेट मी इंट्रोड्यूस टीवीआर हेल्थ केयर टू यू ऑल। All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG X-ray, ECO, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. Umrah aur Hajj ke safar par chale. अलजना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उमरा की सीट बुक करें। इस नंबर पर टिकट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।